कांग्रेस कमेटी द्वारा जो प्रगमन का प्रोग्राम पूरे उड़ीसा में चलाया गया था, उसमें लोकसभा में और विधानसभा में काफ़ी सारे लोगों ने पूरे उड़ीसा से अप्लाई किया था। जिन लोगों ने भी प्रगमन ऐप पर अप्लाई किया था, उन सभी को उड़ीसा पीसी में हम लोगों ने प्रपोज कर दिया है। सेकंड फेज प्रगमन का शुरू हो गया है। परफॉर्मेंस के आधार पर जो भी बेस्ट परफॉर्म करेगा, उनका नाम अब आगे स्क्रीनिंग कमेटी में जाएगा। दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर उड़ीसा कांग्रेस पीपल एंड कॉमन मैन, एंड इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक। थैंक यू। सेकेंड फेज हमारा लगभग 18 तारीख से शुरू हुआ है और ये अब लगातार चलता रहेगा। जैसे जैसे स्क्रीनिंग होती जाएंगी, प्रगमन की रिपोर्ट के आधार पर, सर्विस की रिपोर्ट के आधार पर आगे टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। स्क्रीनिंग दिल्ली में होगा, पीईसी भुवनेश्वर में हो चुका है। उसमें सारे नाम जो भी प्रगमन के माध्यम से आए थे, उन सबको उसमें ऐड कर दिया गया। कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया ये रहेगा कि उसका ग्राउंड पे स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी कैंडिडेट के लिए और क्या क्राइटेरिया हो सकता है? सर, और एक चीज, सपोज एक हेवी वेट विधायक दूसरा पार्टी टिकट नहीं मिलेगा, इधर आ जाएगा, कांग्रेस ज्वाइन करेगा, तो कांग्रेस से बात करके आ गया कि मुझे टिकट लेना है, कांग्रेस हाई कमांड वांटेड ही टू गेट द टिकट आल्सो, तो उधर क्या होगा? ऐसे किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा जिसने प्रगमन में अप्लाई नहीं किया। थैंक यू।